पे योरसेल्फ फर्स्ट। मैं जानता हूं कि ये टाइटल आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या वाकई जानते हैं इसका मतलब क्या है? पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई महंगा स्मार्टफोन खरीद लें, वेकेशंस पे चले जाएं, एंटरटेनमेंट पे पैसे ज़ाया कर दें। अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो आपने स्मार्टफोन कंपनी को पे किए हैं। अगर आप वेकेशंस पे जा रहे हैं तो आपने एयरलाइन कंपनी को पैसे दिए, रेस्टोरेंट में पैसे दिए, आपने खुद को पैसे नहीं दिए। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब है कि आप अपनी सैलरी का कोई पर्टिकुलर अमाउंट साइड कर दें फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और अपने बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। बिल गेट्स ने कहा था कि मनी इज अ ग्रेट स्लेव बट अ बैड मास्टर। हमें सबसे पहले ये करना है कि जब हमें अपनी सैलरी मिलती है पहली तारीख को, तो हमने पहली तारीख को ही अपने पैसे खुद को पे करने हैं। हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि 31st को जो पैसे बचेंगे उनमें से सेव करेंगे, लेकिन हकीकत में आप किसी भी सूरत 31st को पैसे सेव नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले खुद को पैसे पे करने हैं। जब हमें पहली तारीख को सैलरी मिलती है, हमें उसमें से एक अमाउंट साइड करना है फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि वो पैसे या तो आप कोई अलग अकाउंट खुलवा लें या तो कहीं ना कहीं पे पैसे बाउंड कर लें, गोल्ड खरीद लें, फॉरेन करेंसी खरीद लें, लेकिन उस पैसे को बाउंड कर लें। क्योंकि अगर आपकी जेब में पैसे हैं, पैसे आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको वो पैसे कहीं ना कहीं बाउंड करने पड़ेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं अपनी सैलरी का कोई अमाउंट साइड कर दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं पूरे महीने अपने घर के एक्सपेंस चला सकूं, रेंट दे सकूं, यूटिलिटी बिल्स पे कर सकूं। मैं मानता हूं कि आपकी बात सही होगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1%, 2%, 3%, आप 3% या 2% से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2%, 3% अगर मैं अपनी सैलरी का साइड कर दूं तो एनुअली वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, वो किसी भी सूरत गेम चेंजर नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में। मानता हूं आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, प्रॉब्लम्स अपनी तरफ और प्रॉब्लम्स, सिंपल अंडरस्टैंड इट, ओके, प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट्स प्रॉब्लम, मनी अट्रैक्ट्स मनी। अगर आप पैसे सेव करना शुरू कर देंगे वो और पैसे अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ। अगर फ़र्ज करें आपने 2%, 3% सेव करना स्टार्ट कर दिया, इससे होगा क्या? अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट्स लगेंगे, तो वो पैसे आप सबसे पहले सेव करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक हैबिट आ गई है पैसे सेव करने की। और यहाँ पे हैबिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि अमाउंट। ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप, एंड इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू कीप, इट्स अबाउट हाउ वैल यू मैनेज दैट मनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।